नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे स्पेशल रिपोर्ट की। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और इस आंदोलन को 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आंदोलन और ज्यादा व्यापक होता नजर आ रहा है। किसान कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार लगातार किसानों के सामने कई प्रस्ताव रख रही है। ऐसे में दिल्ली में हुई ट्रैक्टर परेड हिंसा के बाद दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है, जिससे किसानों की नाराजगी ज्यादा बढ़ गई है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी, किसान और सरकार के बीच बैठकों का दौर जारी। किसान संगठनों ने किया ऐलान, नेशनल हाईवे करेंगे जाम। केंद्र सरकार ने 250 ट्विटर अकाउंट किए सस्पेंड। सिंघू, गाजीपुर और टेकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा मंगलवार रात 12 बजे तक बंद। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे किसानों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही। किसानों और सरकार के बीच 12 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन ये सभी बैठक बेनतीजा रही है। इसी बीच किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि 6 फरवरी को नेशनल और स्टेट हाईवेज को जाम किया जाएगा। बता दें कि भारतीय किसान मोर्चा के नेता बलवीर सिंह राजेवाला ने कहा है कि शनिवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक नेशनल और स्टेट हाईवेज को ब्लॉक किया जाएगा। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि जिन 128 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनकी कानूनी मदद के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। बता दें कि किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाला के खिलाफ दिल्ली हिंसा के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। हरियाणा के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा पर रोक, सड़कों पर बिछाई कीले, खड़ी की सीमेंट की दीवारें। दिल्ली मेट्रो ने ग्रीन लाइन के 4 मेट्रो स्टेशनों की एंट्री और एग्जिट किए बंद। दिल्ली बाड़ेबंदी को लेकर विपक्ष हुआ हमलावर। किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दिल्ली के साथ साथ इसका खासा असर हरियाणा में भी नजर आ रहा है। इसी बीच खट्टर सरकार ने 2 फरवरी को गड़बड़ी की आशंका के चलते 7 जिलों में शाम 5 बजे तक इंटरनेट, एसएमएस और डोंगल सर्विस को बंद रखने का फैसला किया। जिन जिलों में इंटरनेट बंद रहेगा, उनमें कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर है। कृषि कानूनों के विरोध में अलग अलग जगहों पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं अलग अलग राज्यों से किसान रोज दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनकारी दिल्ली में ना घुस पाए, इसके लिए पुलिस कई जतन कर रही है। सिंघू टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की जा रही है। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर में 4 लेयर की बैरिकेडिंग के साथ सीमेंट के अवरोधकों के बीच लोहे की छड़ी लगाई जा रही है। टीकरी पर पहले 4 फीट मोटी सीमेंट की दीवार बनाकर 4 लेयर में बैरिकेडिंग की गई। अब सड़क खोदकर उसमें नुकीले सरिया लगा दिए गए हैं। रास्ते में रोड रोलर भी खड़े किए गए हैं। वहीं इस बाड़ेबंदी पर विपक्ष भी लगातार सरकार को घेर रहा है। सोशल मीडिया के जरिए विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। ये किसान आंदोलन बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन लाल किले पर हुई हिंसा के बाद से तस्वीरें अब बदली बदली नजर आ रही हैं। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 250 ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिए हैं। इनसे फर्जी और भड़काने वाले ट्वीट और हैशटैग चल रहे थे। साथ ही गृह मंत्रालय ने सिंघू, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा की निलंबन अवधि मंगलवार रात तक के लिए बढ़ा दी है। वहीं यूपी के बलिया में 220 ट्रैक्टर मालिकों को नोटिस मिला है, जिसे सपा ने प्रदर्शन में जाने से रोकने वाला कदम बताया। प्रदर्शन के चलते दिल्ली मेट्रो द्वारा ग्रीन लाइन के 4 मेट्रो स्टेशन की एंट्री और एग्जिट गेट्स को बंद कर दिया गया। बता दें कि किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली थी, इसमें हिंसा भड़क गई थी। किसानों के साथ झड़प में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। वहीं एक व्यक्ति ने लाल किले पर धार्मिक झंडा फहरा दिया था। ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद 100 से ज्यादा किसान लापता बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार पूरी तरह से एक्टिव है और दिल्ली की सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई जा रही है। ऐसे में अब ये देखना है कि ये किसान आंदोलन अब क्या रंग लेकर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।